आप किसी भी गांव में चले जाइए जहाँ एक नया इमारत बना है, आप उसी आदमी से पूछे कि आप अपना घर बनाए, बोले हाँ अपना घर बनाए। आप उसे पूछे कि आप घर कैसे बनाए, तो बोला कि जीवन भर का कमाई रखे, कमा के बचाए तो घर बनाए। आप उसे पूछे कि बालू कैसे खरीदे, तो बोले कि चड्डी बेच के बालू खरीदे। 15 साल तक जो वो काम किए कि मेट्रो सिटी बन गया तो वहाँ गोवा लंदन तो यूपी तो बिहार तो छत्तीसगढ़, अरे गढ़वा के बताओ भैया की का हो। अच्छा नाम बताइए, क्या करते हैं? कम ही बताएगा। मेरा नाम मोहम्मद शारिक अंसारी है जी। क्या करते हैं? हम स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बी कॉमर्स पढ़ रहे हैं। बीकॉम सही गढ़वा से? नहीं रांची से। यहाँ मेरा घर है अपना खुद का जी। तो सबसे पहले अभी छठ की छुट्टी पर? हाँ छठ दिवाली का छुट्टी था तो घर पे आ गए। वोट देंगे? नहीं हम इस बार वोट देंगे गिरिराज सिंह जी को जी। क्या वजह? देखिए सबसे पहली चीज़ जो दो बड़ा कारण है उनको वोट देने का, वो ये है कि एक तो वो गढ़वा की धरती पे पैदा हुए हैं और अगर मरेंगे भी तो इसी धरती पे मरेंगे, तो यहाँ के वो मूल निवासी है, पहला कारण है वोट देने का। दूसरा ये कारण है कि वो जब सरकार में रहे या ना रहे, उनका जो योगदान है शिक्षा के युग शिक्षा की तरफ वो बाकी कई नेता से बहुत ज़्यादा है। क्या योगदान है उनका शिक्षा में? उनका बहुत सारा कॉलेजेस है जहाँ पे हम या हमारे से लोग या यहाँ पे बहुत सारे मौजूद लोग हैं वो पढ़ करके वहाँ से निकले हैं। आज भी कई सारे घर के लोग, घर के हिस्से वाले लोग उनके कॉलेज में पढ़ रहे हैं कई सारे। तो हम समझते हैं कि इस जगह पर शिक्षा की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा है और वैसे इंसान को प्राथमिकता देना चाहिए जिसके जो शिक्षा को आगे बढ़ा सके। लेकिन अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जी कि राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया गठबंधन बना हुआ है, लोकसभा चुनाव में वो मिलकर लड़े जी, और उसमें इंडिया गठबंधन की जब बात होती है उसमें झामुमो भी रहता है जी, और समाजवादी पार्टी भी रहती है, अलग अलग और पार्टियां भी रहती हैं, आरएलडी वगैरह भी रहती है जी। तो क्या ये गठबंधन, आपको क्या लगता है आपकी पसंदीदा पार्टी का ये गठबंधन हाँ, क्या राज्य के स्तर पर या लोकल स्तर पर लागू नहीं है? बिल्कुल लागू है, राज्य के स्तर पर भी लागू है, लोकल स्तर पर भी लागू है, संघर्ष है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ के व्यक्तिगत लोगों से बात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, आप फॉर एग्जांपल कि आप किसी भी गांव में चले जाइए, ठीक है, देखिए हम ये बात मानते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ बेहतर हुआ है लेकिन उससे कई ज़्यादा चीज़ ख़राब भी हो गया है। जैसे में ख़राब, अब ये पहले ये बताइए ख़राब क्या, पिछले काफ़ी समय से ख़राब रहा है या आप किसी जनप्रतिनिधि विशेष के लिए कह रहे हैं कि उनके रहते ख़राब हुआ? आप किसी भी गाँव में चले जाइए जहाँ एक नया इमारत बना है, आप उसी आदमी से पूछे कि आप अपना घर बनाए, बोले हाँ अपना घर बनाए। आप उसे पूछे कि आप घर कैसे बनाए, तो बोला कि जीवन भर का कमाई रखे, कमा के बचाए तो घर बनाए। आप उसे पूछे कि बालू कैसे खरीदे, तो बोला कि चड्डी बेच के बालू खरीदे हैं। ये है स्थिति, सोना के भाव में बालू खरीदे हैं। देखिए मेरी बात पूरी हम दीजिए। देखिए कोई भी जगह का जो खनिज है, जैसे कि जैसे गढ़वा, ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, जिनकी सरकार है यहाँ पे वो कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। यहाँ से हजारों करोड़ का बालू का गैर कानूनी तस्करी हुआ है, हजारों करोड़ का, दूसरे दूसरे देशों में, सॉरी दूसरे दूसरे राज्यों में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, मतलब बहुत सारे जगह जहाँ पे जा सकता था वहां तक गया, लेकिन यहाँ के मूल निवासी को 5,000 रुपये ट्रैक्टर बालू मिला है। आप बताइए ये तरक्की है? जो आदमी ठेला लगा करके 500 रुपये महीना कमा रहे, 500 रुपये प्रतिदिन का कमा रहा है, 400-500 कमा रहा है, वो आदमी घर बना पाएगा? स्थिति है नहीं है बनाने पाएगा, लेकिन इस बारे में आपको कोई नहीं बात करते हुए दिखेगा। आपके अगर जनप्रतिनिधि आते हैं और यहाँ पर जीतते हैं जी, तो आपको कुछ इस बारे में जानकारी है कि वो इस दिशा में क्या करेंगे जो चीज़ें बेहतर हों? देखिए जो चीज़ के बारे में जानकारी हम वो बताते हैं, ठीक है। पहली चीज़ कि हम स्टूडेंट हैं और क्या स्तर है शिक्षा का हमारे देश में, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारे राज्य में क्या स्तर है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर एक बार क्या बोलते हैं सर्वे करना है तो सरकारी स्कूल में चल रही स्तर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि शिक्षा का जो स्तर है वो सुधरे, वो बेहतर हो, स्वास्थ्य का जो अक्ष फील्ड है वो सुधरे। दिखाइए थोड़ा, बोलिए भाई, भाई दिखाइए, मेरा बात नहीं भाई, मेरा बात, हम जवाब दे रहे हैं, तुम्हारा ही कार्ड का जवाब दे रहे हैं, शांत रहो। 15 साल तक जो बाबू बात कर रहा है कि गिरिनाथ सिंह से, 20 साल, चलो ठीक ना 15 है मान लो, यार अकिल हो हमारा 15 है से, 15 साल तक भाई उनकी बात सुन लो यार, 15 साल तक जो वो किए, 15 साल में बाबू का नाम है बालू भाई, आज 30 साल हो गए लोग हमारे, ठीक ना, 8 ना में मिठाई खाना स्टार्ट कर ले रहे, उस टाइम बहुत कम मजदूरी था गांव से हम, ठीक ना, कहाँ से हैं? जलुआ से हैं। तो 15 साल तक जो वो काम किए, 15 साल में एगो बता दे, ओकर बाद सबके कहना है कि मेट्रो सिटी बन गया तो वहाँ गोवा लंदन तो यूपी तो बिहार तो छत्तीसगढ़, अरे गढ़वा के बताओ भैया कि का होलक,
उतना हम नहीं जान लिया। गढ़वा के ही है, गढ़वा के बतावा, गढ़वा के अगर जो कोई भी वर्क हुआ है तो बताओ हमको, 5,000 रोटी कपड़ा बता ना भाई मेरे, तुम तो बताए, हम तो सुने हो, तीनों पार्टी चारों पार्टी के हम सुन करके यहाँ बोल रहे हैं।